हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एचएस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको तीन ऐसी चीजों की जानकारी दूंगा। ये चीज आपको घर में अवश्य रखनी चाहिए और ये चीज अगर आपके घर में होती है तो जीवन में कभी भी आपको पैसे की या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तीन ऐसी चीजें और ये चीजें घर में रखना बहुत ही जरूरी होता है। आज के समय में इंसान के ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है पैसे की, धन की। चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए हो। तो आज मैं तीन ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर ये आप घर में रखते हैं तो ये पैसे का योग बनाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। ये चीजें आप सिद्ध करके घर में रखते हैं तो पैसे की कभी तंगी नहीं आएगी, कभी भी आपको किसी के सामने पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई भी कार्य आया है तो वो रुकेगा नहीं और आपको जीवन में कभी ऐसी परेशानी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके दिमाग में टेंशन हो। आज मैं आपको बता रहा हूं तीन ऐसी चीजें, मैंने काफी जगह देखी जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास ये मैंने खुद रखा हुआ देखा है और खुद बहुत से लोग मुझे मेरे पास सिद्ध कराने के लिए भी लाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं सबसे नंबर वन है हत्था जोड़ी। सबसे पहला हत्था जोड़ी, अगर आप हत्था जोड़ी सिद्ध करके और किसी तांबे या चांदी की डिब्बी में रख करके अपने व्यापारिक स्थान में रखते हैं, अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे नौकरी में परेशानी आ रही है, स्थायी नौकरी नहीं लग पा रहे, या पैसे की तंगी है, या घर में बरकत नहीं है, आप अच्छा कमा रहे हो लेकिन पैसा नहीं रुक पाता है, तो आप ये हत्था जोड़ी ला करके रखें और धीरे 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 इसका प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि आप हत्था जोड़ी रखोगे उस दिन से लेकर के और साल भर बाद देखना कि कितना फर्क पड़ गया है। दोस्तों दूसरा होता है श्यार सिंगी। ये बड़ी दुर्लभ चीज होती है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। अगर ये आपको मिल जाती है तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हत्था जोड़ी और श्यार सिंगी अगर आप इकट्ठी एक डिब्बी में रख करके और आप तिजोरी में, गल्ले में, कहीं भी रखते हैं या व्यापारिक स्थान में रखते हैं तो पूरे जीवन में कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी और आपकी हर जरूरत की चीजों पूरी होंगी और किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी चीजें कि इनमें माता लक्ष्मी का वास होता है और प्रातः के पहले से ये चीजें अगर आप इनको रखते हैं तो ये क्या करती हैं कि जैसे आदमी नौकरी करता है, पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा जैसे ही घर में आता है वो बीमारियों में या किसी भी कार्य में चला जाता है, बरकत नहीं होती। लेकिन जिस घर में ये होती है उस घर में तो कोई परेशानी नहीं आती, कोई संकट नहीं आता अचानक और लोग बीमार कम होते हैं। जो पैसा बीमारियों में जाने वाला होता है वो रुकता है और घर में बरकत होने शुरू हो जाती है। तो आप ला करके रखें आप इन चीजों को और फिर आप जो प्रभाव देखें धीरे धीरे, ये इतना अच्छा प्रभाव होता है इनका जो है बहुत ही बढ़िया। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको अगली वीडियो बना के उसमें दिखा भी दूंगा कि ये सामान कैसे होते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है और ये चीज जो है आप इनके अंदर ही डाल के रखें। तीसरी चीज होती है पीली कौड़ी, घूमती चक्र और कमलगट्टा, ये तीनों इकट्ठी इनके अंदर ही आप डाल दें। हत्था जोड़ी, श्यार सिंगी और इनके अंदर ही ये सामान डाल दें। ये सामान अगर आप इनके अंदर डालते हैं तो आपको कोई और ज्यादा जो है लक्ष्मी के योग बन जाएंगे और इनका प्रभाव जो और अच्छा होता है। तो आप ये चीज ला के रखें और ये जो है विरूपा पेड़ होता है एक जो है उसकी जड़ होती है हत्था जोड़ी, जो बन के तैयार होती है पहाड़ों के खेतों में, जंगली खेतों में ये मिलती है, मध्य प्रदेश में, नेपाल में आदमी ये प्राप्त होती है। और ये जब पुरानी जड़ी बूटी की दुकान होती है या जो धार्मिक दुकानें होती हैं पुरानी उनके पास मिल जाती हैं। और जो श्यार सिंगी होती है ये आपको असली मिलेगी, जैसे गांव के एरिया होते हैं उनमें आप जंगलों में जो सपेरे वगैरह होते हैं
तो उनके पास ये आसानी से प्राप्त हो जाती है सिहार सिंगी। तो ये आप ला करके रखें और आप ला ले आए, और इसकी विधि अगर पूछना चाह रहे हैं कि इसको सिद्ध करके कैसे रखना है तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा ये सामान कैसे होते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें।